तो दोस्तों वीवो की वी सीरीज के 3 नए स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। पहला स्मार्टफोन होगा वीवो का V21, दूसरा स्मार्टफोन होगा वीवो का V21 Pro और तीसरा स्मार्टफोन होगा वीवो का V20 SE। तो 3 नए स्मार्टफोन लॉन्च होंगे, तो यहाँ पर आपको मेन हाईलाइट पॉइंट के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच का सुपर एमोलेड पैनल मिलेगा फोन में। फोन इस बार 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आएगा और यहाँ पर आपको वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा। OIS यहाँ पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ पर आपको इस बार 64MP ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा और डुअल कैमरा आपको 44+8MP का मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कैमरे डिपार्टमेंट में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिए गए हैं और यहाँ पर आपको इस बार डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, यानी फ्रंट और बैक कैमरे से एक बार में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और फोन में इस बार आपको डायमेंसिटी 1100 का प्रोसेसर मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम तीनों स्मार्टफोन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कब तक और कितने प्राइस में इंडिया में आएगा और क्या क्या न्यू फीचर देखने को मिलेंगे फोन में। तो दोस्तों जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के लुक एंड डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बैक साइड पर ग्लास बैक देखने को मिलता है जो कि दोस्तों ग्लोसिप ग्रिड फिनिशिंग के साथ आता है और यहाँ पर जो सेम डिजाइन है वो वीवो की V20 सीरीज जो है उसकी जैसे देखने को मिलेगी, वही प्रीमियम डिजाइन देखने को मिलेगा। बैक साइड पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा, नीचे वीवो की ब्रांडिंग मिलेगी, LED फ्लैश का सपोर्ट मिलेगा। और दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के बारे में बताने से पहले दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले साइज 6.4 इंच की मिलेगी जो कि सुपर एमोलेड है। फोन में इस बार आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी दिया जाएगा। डिस्प्ले की कलर क्वालिटी को और इंप्रूव करने के लिए 16.7 मिलियन कलर का इस्तेमाल किया गया है। तो डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन काफी बढ़िया रहेगा। और एक बार आपको बता देता हूँ, वीवो की V21 Pro में आपको डुअल नोच देखने को मिलेगी और वीवो के V21 और AC में आपको सिंगल नोच के साथ देखने को मिलेगा कैमरा। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में। तो यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा, तो 64MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का वाइड एंगल, 2MP का डेप्थ सेंसर मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फ्रंट कैमरा जो है वो सेल्फी कैमरा 44+8MP का मिलेगा। तो इन दोनों कैमरे में आपको OIS का सपोर्ट मिलेगा। मैंने OIS के बारे में बताया कि ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको OIS का सपोर्ट मिलता है। तो OIS का मतलब होता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो आपको कैमरे डिपार्टमेंट में काफ़ी इंप्रूव परफॉर्मेंस देखने को मिलते हैं और इसमें कुछ नए जो फीचर है वो भी ऐड किए गए डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग का, यानी फ्रंट और बैक कैमरे से आप एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर AI कलर पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप नाइट में जो है फोटोग्राफी का मजा भी ले सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं वीवो V20 AC की। तो यहाँ पर आपको सिंगल नोच के साथ कैमरा मिलेगा यानी 44MP का, और बैक कैमरे की बात करें तो 48+8+2MP कैमरा मिलेगा। तो दोस्तों देखा जाए तो कैमरा डिपार्टमेंट में आपको काफी इंप्रूव परफॉर्मेंस देखने को मिलते हैं आपको तीनों स्मार्टफोन में। और दोस्तों बात कर लेते हैं तीनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वीवो V20 Pro में आपको डायमेंसिटी 1100 का प्रोसेसर मिलेगा जो कि 5G को सपोर्ट करता है और ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन के A65 के बराबर है, यानी आपको प्रोसेसर जो है तगड़ा दिया गया है और 5G दिया गया है। और वीवो V20 AC में आपको जो प्रोसेसर दिया गया वो स्नैपड्रैगन का 720G का प्रोसेसर दिया गया है, ये भी अच्छा प्रोसेसर है लेकिन 5G को सपोर्ट नहीं करता है। और वीवो V21 में आपको जो दिया गया है वो डायमेंसिटी 800U का प्रोसेसर है, ये 5G को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आपको जो कैमरे वाइज और डिस्प्ले वाइज और प्रोसेसर वाइज काफी अच्छा फोन देखने को मिलता है। और यहाँ पर इस बार आपको दोस्तों डेडिकेटेड स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल सकता है फोन में। और यहाँ पर आपको LPDDR5X का सपोर्ट और फ्रंट टच जो OS है वो आपको iPhone 12 का जो है कॉपी देखने को मिलेगा, यानी आपको इस बार जो UI है फोन का वो भी काफी एडवांस देखने को मिलने वाला है। और फोन जो है वो Android 11 के साथ आता है और यहाँ पर आपको 3 रैम रेंज में अवेलेबल मिलेगा, 6GB 128GB 8GB 128GB और 12GB का ऑप्शन भी दिया जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो वीवो की वी सीरीज में आपको काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं प्रोसेसर में। दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर आपको 4000mAh की बैटरी मिलेगी जो कि 33W के फास्ट चार्जर आता है और उसके बाद टाइप सी पोर्ट, माइक, 3.5 ऑडियो एक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा फोन में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो बैटरी है वो कम क्यों दी है बता देता हूँ मैं, क्योंकि फोन का जो डिजाइन है वो स्लिम करना था, यानी आपको फोन का जो वेट है वो लाइट वेट करना था, तो इसीलिए आपको यहाँ पर बैटरी कम दी गई है। और बात करते हैं प्राइसिंग की, तो वीवो V20 AC जो है वो आपको अंडर 15,000 की रेंज में देखने को मिलेगा और वीवो V20 जो है वो आपको दोस्तों अंडर 20,000 के आसपास देखने को मिल सकता है और 20 प्रो जो है वो 25,000 से 30,000 रुपए के आसपास या उससे हाई भी जा सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की कंक्लूजन के बारे में। तो दोस्तों देखा जाए तो 15,000 रुपए की रेंज में वीवो V20 AC काफी अच्छा स्मार्टफोन है, प्रोसेसर भी तगड़ा दिया गया है, कैमरा भी अच्छा दिया गया है और साथ ही में दोस्तों वीवो का V21 Pro जो है वो भी काफी अच्छा फोन है क्योंकि यहाँ पर आपको डायमेंसिटी 1100 का प्रोसेसर है, 5G को सपोर्ट करता है और साथ में आपको 6.4 इंच का सुपर एमोलेड पैनल है, 90Hz का रिफ्रेश रेट है, इन डिस्प्ले तो आपको मिल ही रहा है और साथ ही में आपको दोस्तों यहाँ पर आपको 64MP का कैमरा मिल रहा है और साथ ही में आपको OIS का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये काफी अच्छी बात है। कैमरे में भी आपको काफी इंप्रूव देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको जो बैटरी है वो नॉर्मल देखने को मिलती है 4000mAh की और नॉर्मल 33W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो दोस्तों ये जो वीवो की वी सीरीज है वो अपग्रेड देखने को मिलती है और सबसे ज्यादा बिकने वाली स्मार्टफोन सीरीज है वीवो की ये वर्ल्ड में।
दोस्तों आप कमेंट करके बताइए क्या आप स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग देखना चाहेंगे, या आपको न्यूज लगी अच्छी तो व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। ऐसी न्यूज देखनी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक करके उसे कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगने पर लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा व्हाट्सएप फेसबुक को शेयर कीजिएगा, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। चलिए जय हिंद।